नमस्ते आदाब, मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं News 21 Rajasthan। News 21 Rajasthan रोजाना आपके बीच में नागौर हेडलाइंस लेकर उपस्थित होता है। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम अपने जिले की संपूर्ण अपडेट को आप तक हेडलाइंस के रूप में पहुंचाते हैं। यदि आप भी अपने क्षेत्र से किसी हेडलाइंस को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। यदि आप रिपोर्टर के रूप में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने रिज्यूम को हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की नागौर हेडलाइंस। पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, 6, 7 और 8 नवंबर को होगी कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा। डीजीपी ने समिति की रिपोर्ट के बाद तय की ये तारीख। लंबे समय से था इस परीक्षा की तिथि के ऐलान का इंतजार। करीब 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे इस परीक्षा में शामिल। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर स्थित एसबीआई बैंक में लचर व्यवस्थाओं को लेकर जनरल चीफ मैनेजर के नाम शाखा प्रबंधक को समस्त ग्रामवासियों ने सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के अनुसार बैंक में स्टाफ की कमी के कारण शाखा में आसपास के करीब 450 गांवों के ग्राहकों का रोजाना लगा रहता है जमावड़ा, परंतु सुविधाएं नहीं होने के कारण लोगों को करना पड़ता है परेशानी का सामना। साथ ही मौजूदा कर्मचारी एवं प्रबंधक के व्यवहार असंवेदनशील एवं अशोभनीय होने का भी लगाया गया है आरोप। 10 कार्य दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर तालाबंदी कर घेराव करने की दी गई है चेतावनी। प्रदेश में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में करवाई जाएगी ऑफलाइन परीक्षा। विद्यार्थियों को दिया जा सकता है तैयारी का अतिरिक्त समय। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में हो सकती है परीक्षाएं। कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर नागौर जिले में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके सेवानिवृत्त शिक्षकों का शिक्षा विभाग के अधिकारी उनके घर जाकर करेंगे सम्मान। इसे लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं आवश्यक निर्देश। नागौर जिले में कोरोना अपडेट, कल फिर मिले जिले में रिकॉर्ड तोड़ नए मामले। विधानसभा क्षेत्र नागौर के विधायक मोहन राम चौधरी सहित जिले भर में 80 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। जिले में सर्वाधिक संक्रमित नागौर शहर में आए सामने। नागौर शहर से 26 तथा ग्रामीण क्षेत्र से एक नया मामला मिला। मुंडवा ब्लॉक में कल मिले 22 नए मामले। जिले के डेगाना में 8, जायल, मेड़ता और लाडनू उपखंड में 6-6 नए मामले। वहीं डीडवाना ब्लॉक में मिले 5 कोरोना संक्रमित मामले। जिले में पॉजिटिव का आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है 2817 पर। जिले भर में 427 केस हैं सक्रिय। अब तक जिले में 43 की हो चुकी है कोरोना से मौत। नागौर शहर के टेंट व्यवसायी, कंदोई लाइट डेकोरेशन, फूल माला व्यवसायी इत्यादि लोगों ने शहर के चेनार गांव के पास हनुमान मंदिर से एक रैली का आयोजन कर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कोरोना काल में इन परिवारों के सामने आए रोजी रोटी के संकट से करवाया अवगत। ज्ञापन में शादी समारोह में अधिक लोगों को शामिल करने की छूट देने की गई मांग। साथ ही समारोह के दौरान सभी तरह की एडवाइजरी की पालना एवं समारोह स्थल पर प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था कर सभी तरह की सुरक्षा उपायों को अपनाने पर जताई गई सहमति। थावला कस्बे के वीर तेजा चौक से लाखीना संपर्क सड़क इन दिनों हो चुकी है तालाब में तब्दील। इस रास्ते पर हर समय कीचड़ और गंदगी का बना रहता है आलम। अभी बरसात के दिनों में पानी की निकासी का रास्ता नहीं होने के कारण ये सड़क बन चुकी है तालाब, जिससे वाहन चालक सहित पैदल राहगीर भी हो रहे हैं परेशान। कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी नहीं हो रही है कोई सुनवाई। तो ये थी इस वक्त की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। आप यूं ही प्यार जताते रहिए और इस कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।